हाय दोस्तों, ये मैंने माइक मंगाया है यूट्यूब वीडियो के लिए, क्योंकि हम लेट से अगर बनाते हैं तो जो वॉइस होती है बैकग्राउंड की वो आती रहती है, और वीडियो की क्वालिटी वीको क्वालिटी अच्छी नहीं होती, साउंड क्वालिटी। तो मैंने मंगाया है, कल अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं है, बस ये खोल के चेक किया था, तो चेक करना पड़ता है जब अमेज़ोन से मंगाया है मैंने। मैंने अपने रिवील भी नहीं किया है और मैंने आईफोन के लिए मंगाया है। अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है और ये सही से वर्क भी करता है या नहीं। तो हम इसके पैकिंग को काटेंगे यहाँ से और इसमें देखेंगे कि अच्छे से वर्क भी करता है नहीं, और क्या क्या इसमें निकलता है। इससे चला जाएगा, ये इस कंपनी का है और ये मैंने आईफोन के लिए मंगाया है जिससे कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिले और यूट्यूब वीडियो का व्यूज़ अच्छे से आए। मैंने इसके इसको वो कर दिया है, एक इसमें कार्ड सा है, ये अपने आप ही निकल गया, वारंटी कार्ड होता है ये। इस पर नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, तो इसे हम बाद में देखेंगे। तो हम इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। बहुत अच्छी पैकिंग है और ये कितने का पड़ा है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। ये हमारा चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग करने का जो होता है। ये लीड बहुत छोटी सी दे रखी है इसमें, पर कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। बस इतनी है, 10-11 इंच की होगी, तो इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या है। और ये आईफोन का है जिससे हम लगाकर उसको ऑडियो को कनेक्ट करेंगे मोबाइल से, तो इसको हम इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं हम डब्बे पे, अब इसकी पैकिंग को देखते हैं हम। इसमें भी एक कार्ड है, वो शायद गाइड है, इसकी बुक है, इसका कोई काम नहीं है। बॉक्स भी बहुत अच्छा है, पैकिंग मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी इसकी। और तो हमारा इस निकलेगा ये बॉक्स, इस तरह का है और यहाँ से ये ओपन होता है शायद, तो ये शायद रिसीवर है, मेरे को इतना पता भी नहीं है। ये रिसीवर है जो मोबाइल के नीचे लगता है, और ये हमारा कॉलर के पास लगता है यहाँ पे। ये हुक दे रखा है इसमें ऐसे, और इसको शायद ऐसे लगाते हैं। इसकी पैकिंग हटानी पड़ेगी जिससे वॉइस अच्छी आएगी, और यहाँ पे हम लीड भी लगा सकते हैं जिससे हम कान पे लगा के उसको सुन सकें। और ये चार्जिंग भी होता है यहाँ से, इसका पिन है, ये अंदर पिन दे रखा है, शायद आपको दिखाई दे जाए यहाँ पे। तो इसमें रखेंगे 10 दिन का बैकअप, बताते हैं इसका, एक बार इसको चार्ज करो कि 10 दिन तक चलेगा। तो मैं आगे की वीडियो इसी से बना के दिखाऊँगा आपको। ऐसे यहाँ पर इसको रखेंगे, ऐसे ये अंदर चले जाता है, यहाँ से बंद हो जाता है। मैं आपको लगा के दिखाऊँगा। तो ये हमारा आईफोन है, मैं आपको अब इसमें लगा के दिखाता हूँ, आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये हमारा आईफोन है, अब मैं इसमें आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये जो पिन है इसको यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, ये लग चुका है। उसके बाद ये रिसीवर है, इसको ऐसे लगा देंगे, ये भी लग चुका है। उसके बाद हम इसको उसमें से निकालेंगे माइक को। माइक को लगाने के बाद अभी ये ऑफ है, इसको हम ऑन करते हैं। ये जो बटन है साइड में, इससे हो जाता है, और यहाँ पे ग्रीन
लाइट जलने लग गई। देखिए इसमें ग्रीन लाइट जल चुकी है और वॉइस को जो बैकग्राउंड की वॉइस आती है उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक बार दबाएंगे तो एक बार लूप होगी। देखिए दूसरी बार दबाएंगे तो दो बार लूप होगी, तीसरी बार दबाएंगे तो तीन बार लूप होगी। जो साइड की वॉइस है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी रेंज कितनी है और कितने मीटर तक ये काम करता है। ये मैंने कॉलर पे लगा नहीं है, हाथ में ले रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वॉइस कितनी दूर तक कैच करती है। क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है दोस्तों? मैंने सुना है 50 मीटर तक वॉइस को कैच करता है। तो अब मैं माइक से ही बात कर रहा हूँ, ऑडियो में भी अंतर होगा इसके। इतनी दूर आ चुका हूँ, इससे ज़्यादा दूर मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं कभी बाद में आपको बताऊँगा। वैसे माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक बार इसमें क्या क्या निकला है, सब पूरा बॉक्स है। ये गारंटी कार्ड है, ये माइक है, अभी चालू है, ग्रीन लाइट चालू है इसकी। ये सब सामान इसमें मिला है मेरे को। तो थैंक यू वेरी मच।